नमस्कार दोस्तों, पीसीएम कॉन्सेप्ट मोटिवेशनल टॉक में आज जिस पर्सनैलिटी से मैं बात कराने जा रहा हूँ वो एक नेशनल बॉडी बिल्डर हैं, नेशनल लेवल बॉडी बिल्डर रहे हैं और बॉडी बिल्डिंग के कोच हैं आज के दिन में। और हम उनसे बातचीत करेंगे ढेरों विषयों पे, एक्सरसाइज के ऊपर, जैसे कि हमारे जो स्टूडेंट हैं, आपको पता है हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी, तो हेल्थ बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पर्टिकुलरली कोविड के टाइम में आपने देखा है, जो लोग हेल्दी पीछे से नहीं रह रहे थे उनके ऊपर कोविड का ज्यादा जो है प्रकोप रहा है। तो पंकज आनंद जी का मैं अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। स्वागत है पंकज जी आपका, ढेरों स्वागत हमारे चैनल पे। तो थैंक यू थैंक यू, थैंक्स फॉर पंकज कॉलिंग मी हियर। पंकज जी 2001 के स्टेट बॉडी बिल्डिंग चैंपियन हैं और मिस्टर इंडिया में कम्पीट किया है। इनका सिल्वर मेडल है, अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर एंड डोरियन येट्स जैसे बड़े नामों के साथ इन्होंने ट्रेनिंग की है, उन्होंने उनसे इन्होंने सीखा है। सो उसके बाद रोहतक में इनका अपना एक जिम है जो कि बड़ा ही लोकप्रिय है, उसके बारे में जानेंगे। आज हम इनसे बातचीत करेंगे न्यूट्रिशन के बारे में कि क्या न्यूट्रिशन लेना चाहिए बढ़ते बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, माताओं बहनों के लिए, और साथ ही हम बात करेंगे पढ़ने वाले बच्चों को कौन सी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, और जो डिफरेंट जो डाउट्स हैं हमारे, जैसे प्रोटीन शेक के बारे में डाउट है या और चीज़ों के बारे में डाउट है न्यूट्रिशन के बारे में, उनके बारे में बात करेंगे। और अंत में मैं पंकज जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमें कुछ एक्सरसाइजेस करके भी दिखाएं जो कि जिम में हों या जिम के बाहर हों, वो हमें करके दिखाएं। तो पंकज जी ओवर टू यू, सबसे पहले आप हमें अपने जीवन के बारे में बताएं, आपने बेसिक शिक्षा कहाँ से ली और आप बॉडी बिल्डिंग की लाइन में कैसे आए और क्यों आए, क्या ये आपका शौक था और आपने किस लेवल पे कंप्लीट किया है उसके बारे में बताएं पंकज जी। हाँ जी, थैंक यू प्रभुदेव जी फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे मैं स्पोर्ट्स में आया। टिल 10th आई वाज ए स्कॉलर लाइक इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश टॉपर इन सीबीएसई। तो उसके बाद जैसे 11th में मैंने जिम ज्वाइन किया। जैसे 3-4 महीने की छुट्टियां होती हैं तो उसमें जैसे जनरली बच्चे ज्वाइन करते हैं शौकिया तौर पर, अच्छा तो जी, उसमें फिर ये है कि रिजल्ट्स इतने अच्छे आए कि जो वहाँ कोच थे दे आस्क मी टू डू इट प्रोफेशनली, कहते आप बॉडी बिल्डिंग में ही आइए इसमें। अच्छा तो जी, उसमें फिर मैंने उसमें मन लगाकर 8-10 महीने की, उसके बाद एग्जामिनेशन आए उसमें छोड़ दी। फिर 12th में इस तरह से की 6-7 महीने, तो रिजल्ट्स अच्छा बहुत अच्छे आए। तो उसके बाद मैंने सोचा कि 12th के बाद मैं इसको एज ए स्पोर्ट इसको लूँ और प्रोफेशनली तरीके से, तो वो तो बाद में देखेंगे रिजल्ट कैसे आएंगे। तो अच्छा जी, 12th के बाद मैंने एडमिशन लिया कॉलेज में और साथ साथ मैंने हार्ड कोर बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट की। अच्छा तो जी, उसमें मैंने फिर जालंधर में नेशनल स्कूल ऑफ बॉडी बिल्डिंग एंड न्यूट्रिशन है तो वहां मैंने उनको ज्वाइन किया। वो साल में 6 महीने हमें बुलाते थे वहाँ, तो अच्छा जी, उसमें वही खाना पीना रहना डाइट सब एक्सरसाइज प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स के साथ। तो आपको बड़े मजे की बात बताऊं कि जो ये दिलीप सिंह है, जो खली जिनको आप लोग टीवी में देखते हैं और WWE रेसलिंग में, वो जी और मैं एक ही जिम में एक्सरसाइज करते थे इकट्ठे एक ही ट्रेनर के साथ, अच्छा मनजीत सिंह, मिस्टर इंडिया बॉडी बिल्डर 9 टाइम्स, अच्छा जी, और डॉक्टर रणधीर अस्थिर हैं जालंधर में चलाते हैं ये काफी बड़ा, इसी बॉडी बिल्डिंग जगत से सारा ट्रेनिंग देते हैं सबको। तो हमारे साथ वेस्ट बंगाल तक दूर दूर से गुजरात से बॉडी बिल्डर्स जो बडिंग बॉडी बिल्डर्स थे तो जी वो आए हुए थे। तो हम खाली हम सब इकट्ठे एक ही जिम में एक ही ट्रेनर के एक ही अंदर एक्सरसाइज करते थे। जी तो उसके बाद फिर 2-3 साल में रिजल्ट्स, क्योंकि नॉलेज बेस्ड अगर आप कोई किसी भी फील्ड में जाते हैं और नॉलेज बेस्ड अप्रोच रखते हैं कि डीप आपके फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए, चाहे वो एजुकेशन है स्पोर्ट्स है, तो जी आपको सक्सेस जल्दी मिलेगा। तो जी अच्छा फिर उनके डॉक्टर साहब के साथ और मनजीत सिंह जी के साथ तो वो सब हमने अच्छी ट्रेनिंग ली। तो यहाँ मिस्टर हरियाणा जब मैं कंपटीशन खेलने आया तो फर्स्ट कंपटीशन में मैं हरियाणा में 4th पोजीशन आ गई थी मेरी, 56 लड़के थे हम। तो जी, उसके बाद मैंने 1 साल ड्रॉप किया, जिस तरह से बच्चे PMT की ड्रॉप करते हैं इंजीनियरिंग के लिए या नीट के लिए, तो 1 साल मैंने ड्रॉप किया और फिर दोबारा से कम्पीट किया। तो सीधा आई वन मिस्टर हरियाणा, अच्छा जी जो बैकग्राउंड में आप फोटोग्राफी देख रहे हैं, तो जी ये कंपटीशन हुआ था, इसमें ओवरऑल चैंपियन था मैं मिस्टर हरियाणा। और उसके बाद मेरा मिस्टर इंडिया के लिए सिलेक्शन हो गया, तो जी या फिर ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी या मिस्टर हरियाणा मिस्टर इंडिया, एक कॉम्पिटिशन था, सेम डेट्स थी एक्चुअली, कोइंसाइड कर रही थी। तो जी देन आई वेंट ऑन टू फॉर मिस्टर इंडिया, तो इंडिया में मेरी 3rd रैंक आई उस टाइम जयपुर में। अच्छा तो जी उसकी आपको उसके फोटोग्राफ्स पोस्टर्स भी दिखाएंगे, अंदर हमारे जिम में ही हैं लगे हुए। तो जी फिर ये 2003 में आई वाज अर्ली अचीवर एट द एज ऑफ 20-21 ओनली, तो अच्छा जी 2001 में। तो उसके बाद माय फादर सपोर्टेड मी एंड आई स्टार्टेड ए जिम। तो यहाँ मॉडल टाउन रोहतक में हमारा अच्छा खासा बड़ा जिम है, थ्री जी स्टोरी। तो तब से बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं और इसी फील्ड में खुद भी एक्सरसाइज अच्छी कर लेते हैं, बच्चों को भी करवाते हैं।
जी तो ये हमारी अचीवमेंट है इसमें जी तो नाउ पंकज नाइन। जी, जैसा मैं आपको काफी सालों से जानता हूँ, 10 साल से मैं आपको हाँ देख, जी तो आप इंटेंस वर्कआउट कर रहे हैं, आपकी एज 40+ हो गई है और आप हाँ अभी जी पूरा मतलब जोर शोर से आप पूरी एक्सरसाइज करते हो। मैंने भी आपके साथ एक दो बार एक्सरसाइज सेशन अटेंड किए हैं। सो हाँ जी हाँ आपका जी ये राज क्या है, आपका मतलब डाइट क्या लेते हैं आप खुद, जी एंड हाँ इसके हाँ अलावा आप अपना एक्सरसाइज का राज बताएं, आप इतनी अच्छी एक्सरसाइज कैसे कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं उसका आपको बताता हूँ कि आई एम 42+ नाउ। तो एक जनरल मैं लाइफ की बता रहा हूँ, व्हेन योर पैशन बिकम्स योर प्रोफेशन यू आर ऑन द हाइट्स ऑफ सक्सेस। तो जब मिस्टर इंडिया कंपटीशन हम जयपुर में खेल के आए तो सलमान खान और शिल्पा शेट्टी वहाँ आए हुए थे किसी शूटिंग के लिए। तो वो मैं मिस्टर इंडिया में जो थर्ड था, तो फर्स्ट केरला का था बॉडी बिल्डर जो था, तो वो उसका केरला वाला जो बॉडी बिल्डर था वो उसके पास पहुंच गए सब। ये एक्टर क्रू था जो इनका बॉलीवुड का कि डाइट शेड्यूल और वो, तो उन्होंने यही बात कही हमें सेम यही बात कि व्हेन योर पैशन बिकम्स योर प्रोफेशन तो आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि एक भी दिन आपको काम करना पड़ रहा है, अनलाइक मैनी अदर पीपल। तो वो जो पैशन था अपना वही हमारा फिर प्रोफेशन बन गया। एक्सरसाइज शुरू की, उसके बाद चैंपियनशिप लड़ी जीते, फिर जिम बनाया, तो फिर औरों को भी कराते हैं और खुद भी करते हैं। तो ये पैशन अपना मेंटेन्ड है। वीक में मेरी 3 से 4 दिन वेट ट्रेनिंग रहती है, 2 से 3 दिन मेरी कार्डियो रहती है। कार्डियो में मैं रनिंग करता हूँ 50 मिनट्स टू 60 मिनट्स। और डाइट अगर आप जिम रेगुलर कर रहे हैं तो डाइट आपकी अपने आप ही ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। अगर आप कभी भी नॉर्मल लेमैन जो हमारे वैसे बच्चे आते हैं जो कभी किया कभी छोड़ दिया, तो दे ऑलवेज टेल मी कि भैया जिन जिन दिनों में हम जिम कर रहे हैं उन दिनों में हमारी डाइट हमेशा कंट्रोल रहती है, हाई प्रोटीन जंक फूड हम कम खाते हैं। जब जिम छूट जाता है तो सब कुछ छूट जाता है, माइंडसेट चेंज हो जाता है ना, तो उसमें फिर जंक फूड भी खा लेते हैं और सब कुछ कर लेते हैं। तो ट्राई किसी ने, अगर आप जिम को एक्सेस नहीं भी कर पा रहे, मान लो जो हमारे विलेजर्स हैं या दूर दराज जहाँ जिम है, तो वहां पर आप कुछ ना कुछ वर्कआउट करते रहिए। फिजिकल वर्कआउट इज द की टू सक्सेस, मतलब पीसफुल माइंड के लिए भी और अच्छी हेल्थ के लिए भी। और डाइट में थोड़ा, जैसे आपने पूछा, डाइट में हाई प्रोटीन डाइट रखनी है। उसमें अगर आप वेजिटेरियन हैं तो उसमें भी वेजिटेरियन के सोर्सेज जैसे सोयाबीन ले सकते हैं बॉइल्ड या स्प्राउटेड, और पनीर ले सकते हैं, टोफू, आजकल पनीर मिल जाता है हर जगह, टोफू पनीर ले सकते हैं। कर्ड, अगर मिल्क उतना डाइजेस्ट हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर बटर मिल्क ले सकते हैं जिसे हम लस्सी बोलते हैं। बटर मिल्क इज इजीली डाइजेस्टेबल। तो ये और सोया अपना स्प्राउट्स किसी भी तरह के, किसी कोई भी दाल हो तो। और नॉन वेज में तो बॉइल्ड एग्स हैं और चिकन वगैरह है, बहुत अच्छा है। तो हाई प्रोटीन डाइट रखिए, लिक्विड फ्लूड्स ज्यादा लीजिए, फाइबर ज्यादा लीजिए, फैट्स उतने सैचुरेटेड फैट उतने ज्यादा नहीं लेने चाहिए जैसे जो देसी घी में सैचुरेटेड फैट है। तो अनसैचुरेटेड फैट अच्छे वो जो बादाम आलमंड्स का है या ड्राई फ्रूट्स का है वो ले सकते हैं। तो ये डाइट थोड़ी सी इसका कॉम्बिनेशन रखिए, हाई प्रोटीन, मीडियम कार्बोहाइड्रेट्स एंड लो फैट। फाइबर हाई होना चाहिए और फ्लूड्स हाई होने चाहिए, लिक्विड वगैरह, जूसेस, जनरल वाटर ज्यादा लें। तो बस ये सब करते रहिए, आपका माइंड भी और बॉडी दोनों हेल्दी रहेंगे एंड यू विल हैव अ रियली पीसफुल लाइफ। जी, तो पंकज जी, जैसा मैं आपके परिवार को जानता हूँ, आप बड़े हम्बल बैकग्राउंड से हैं, आपके फादर पीजीआई से रिटायर्ड हैं, तो फैमिली ने कैसा सपोर्ट दिया जब आप पढ़ाई में अच्छे थे, तो फैमिली ने कहा नहीं कि बेटा पढ़ ले, अब पढ़ाई में अच्छा चल रहा है तो नहीं क्यों लाइन क्यों चेंज करनी। मतलब मैं ये के जो बच्चे जैसे बॉडी बिल्डिंग ऑप्ट करना चाहते हैं, तो उनके पेरेंट्स कैसे सपोर्ट करें, क्या चीजें होनी चाहिए, इस एंगल से मैं पूछ रहा चीज आपने बिल्कुल ठीक कही। शुरू में अपोजिशन काफी हुआ था, अपोज किया पेरेंट्स ने, क्योंकि बिकॉज दे वर ऑल्सो फ्रॉम एकेडमिक बैकग्राउंड, जी। पीजीआई से सुपरिटेंडेंट रिटायर्ड है फादर, तो बोले पढ़ाई लिखाई कर बेटा, पढ़ेगा लिखेगा तो बनेगा नवाब, और इसे स्पोर्ट्स में क्या है। बट आई जी रियली प्रूव्ड विद इन एक्चुअली 2 to 3 years आई वॉज अर्ली अचीवर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2 या 3 साल में आई वेंट ऑन टू बिकम मिस्टर हरियाणा। जी तो स्टेट चैंपियन बनना और एकेडमिक बैकग्राउंड से आके और सडनली फिर इस चीज में, और देन मिस्टर इंडिया कम्पीट किया, तो फर्स्ट टाइम इंडिया कम्पीट किया, तो उसमें भी मेरी अच्छी पोजिशन आई, मेडल आया। तो जी वो फिर तो पेरेंट्स मेरे फादर को, ही गॉट टू बिलीव कि भाई जिम, अगर हम उस टाइम जिम रोहतक में थे भी नहीं, आज अब हम बात कर रहे हैं 19 साल पहले, जी जी तो एक दो जिम होते थे, उसके बाद वो मोनोपोली थी, तो मोनोपोली से डिओपोली हुई। तो जी हमेशा बिजनेस में जो है कि अगर एक मोनोपोली है तो उसको कोई सेकंड अपोनेंट आता है तो वो दोनों के लिए बेनिफिट है बिजनेस चलने के लिए। तो जी वो फिर इट वॉज ए टच ऑफ गॉड्स ग्रेस, इट वॉज रन अवे सक्सेस स्टार्टिंग से ही। तो क्योंकि मैं खुद चैंपियन था तो इसलिए बच्चे उससे मोटिवेट होके कि वो कहते थे पंकज भैया का जिम बनाया, वहां जाएंगे वहां जाएंगे तो ट्रेनिंग अच्छी मिलेगी। तो उस तरीके से था, तो इट वॉज सक्सेस। मतलब शुरू शुरुआती देर पेरेंट्स ने थोड़ा सा अपोज किया था, बट जी
फादर की सपोर्ट मेन रही, तो उसमें अब हो गया सकता दैट आई अचीव सक्सेस इन बिजनेस आल्सो। तो जैसे अब आपके पास बच्चे आ रहे हैं, पिछले 19-20 साल से ट्रेन कर रहे हैं, तो किस लेवल के बच्चे आपके पास आप जो भेजे हैं आपने, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, हाँ किस जी पे आपने ट्रेन किए हैं? हाँ, स्टार्टिंग में हमने पहले 8-10 साल काफी प्रोफेशनल बच्चों को तैयार किया और उसमें कंपटीशन के लिए जैसे उसमें किया। उसके बाद कई बच्चे अब जैसे गोल्ड जिम्स में या बॉम्बे में या कहीं बाहर के जिम्स में दे आर रिक्रूटेड एज ट्रेनर्स। तो पहले वो यहाँ से एक्सरसाइज हमारे पास करके गए, कईयों ने अपने खुद जिम बना लिए रोहतक में भी, बाहर भी, दिल्ली, फरीदाबाद, इधर जो बाहर के थे। तो उसके बाद अब लास्ट 5-10 ईयर से आई फोकस मोर ऑन लाइक ओवरऑल हेल्थ, जैसे प्रोफेशनल स्पोर्ट्स के अलावा कि आप अपनी, चाहे आप स्टूडेंट हैं या डॉक्टर हैं या इंजीनियर हैं या किसी भी फील्ड में हैं, नाउ वी फोकस मोर ऑन द दैट साइड ऑफ एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ। की प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग करने वाले जैसे 1-2% है, 5% है, बट एक जनरल हेल्थ अच्छी रखनी है वो जैसे हमारे पेरेंट्स हैं या आप हैं या कोई भी फीमेल है हमारी, तो उनको हम जो मेन सोसाइटी का वो है उसको अब हम लेकर चलते हैं कि उसमें प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग तो एक अलग वो तो हो गया, उसके अलावा आपको जनरल लाइफ में एक्सरसाइज की क्या इंपॉर्टेंस है, दैट वी मोर फोकस ऑन दैट। जी, तो उसमें हमारे पास हर फील्ड के स्टूडेंट्स भी, डॉक्टर्स भी, तो वो सब आते हैं, तो उनको हम मोटिवेट करते हैं कि भाई आप रोहतक में हैं या कहीं भी हैं, आप फिटनेस प्लैनेट में आए या कहीं भी जाएं, बट यू मस्ट डू एक्सरसाइज एटलीस्ट 3-4 डेज ए वीक, आप किसी भी बैकग्राउंड से हैं। तो वो उनको हम जनरल हेल्थ के बारे में और एक्सरसाइज के क्या बेनिफिट्स हैं वो समझाते हैं। तो व्यूअर्स को भी अब ये आपने मौका दिया समझाने का। जी, जनरल हेल्थ की बात करी है आपने, तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा स्टूडेंट्स के लिए जो पढ़ाई करते हैं, पर्टिकुलरली कंपटीशन की तैयारी करते हैं, जैसे आप जेई की तैयारी कर रहे हैं, आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, मेडिकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सारा दिन आपके पास इतना बिजी रहता है, या तो आफ्टर ग्रेजुएशन आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या और कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो या नियर एग्जाम आप कोई भी बोर्ड एग्जाम ले लिए, तो उसमें इतना टाइम होता ही नहीं है कि बंदा अपनी बॉडी को डिवोट कर पाए, तो उसमें क्या बेसिक एक्सरसाइजेस हैं, कितना टाइम आप बताते हैं बच्चों को भी, आप इतना टाइम कम से कम अपनी बॉडी के लिए जरूर निकालें। हाँ जी, आपने बहुत अच्छा पॉइंट दिया कि अगर बहुत जो बच्चा को यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, नीट की कर रहा है, उसको इतना टाइम नहीं है कि वो करे या वो करे, तो उसका ये ऑप्शन है कि आप 3 डेज ए वीक, 5 ए वीक जो वेट ट्रेनिंग है या कोई भी एक्सरसाइज है, अगर आप 3 डेज ए वीक करते हैं एंड ओनली 35-40 मिनट्स, दैट इज मोर देन सफिशियंट। जी, कोई भी बच्चा अगर यूपीएससी की भी तैयारी कर रहा है, जैसे आपने की यू आर वन ऑफ द टॉपर इन दैट फील्ड, तो उसमें आप ये देखेंगे कि मैक्सिमम सिटिंग कोई बच्चा दिन में अगर देगा 10 घंटे की 12 घंटे की, इससे ज्यादा तो देगा नहीं कोई। जी जी, तो उसके अलावा 30 मिनट्स कैन ऑलवेज बी, मतलब 30 मिनट तो मैनेज हो ही सकते हैं। आपको नियरेस्ट, गो टू जस्ट नियरेस्ट जिम, हिट द जिम, कोई बातें नहीं करनी, सिर्फ 30 मिनट्स आप वेट ट्रेनिंग करिए हल्के लिए, उससे ब्लड सर्कुलेशन आपकी बॉडी में ठीक होगा। तो ब्लड सर्कुलेशन क्या होता है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हर पार्ट में जब हम वर्कआउट करते हैं तो उसमें ब्लड जाता है, ब्लड से पंप आता है, तो ब्लड कैरीज फ्रेश ऑक्सीजन विद दैट। तो अगर आपकी बॉडी में, पूरी बॉडी में सर्कुलेशन ब्लड का अच्छा होगा और मसल्स में पंप आएगा, तो उससे ऑक्सीजन भी साथ आएगी और उससे बीमारियां नहीं होंगी। कॉन्सेप्ट एक्चुअली बेसिकली ये है एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज इंक्रीजेस ब्लड सर्कुलेशन, तो ब्लड सर्कुलेशन के साथ ऑक्सीजन आएगी, फ्रेश ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हमारी हर पार्ट में जाएगी, तो उससे हमारा हर बॉडी पार्ट फ्रेश रहेगा और बीमारियां नहीं आएंगी किसी भी तरह की, चाहे वो मेल्स हो या फीमेल्स हो। तो 30 मिनट्स थ्राइस ए वीक, दैट इज एनफ। जो जो हार्ड कोर स्टूडेंट्स हैं जिनके पास टाइम कम है, अदरवाइज 40 मिनट्स के लिए 4 टाइम्स ए वीक, दैट इज सफिशियंट। हम भी इतनी करते हैं नॉर्मल उसमें। जी, अच्छा, दूसरा एक वे प्रोटीन की बात करते हैं। बॉडी बिल्डर्स हैं या नॉर्मली जो जैसे मेरे जैसे लोग हैं जो ऑफिस जाते हैं, 9 to 5 जॉब है या वीकेंड पे भी रहते हैं, तो हम जैसे प्रोटीन हमारी डाइट में इतना नहीं है, तो वे प्रोटीन के लोगों के बारे में बड़े मन में डाउट्स रहते हैं कि वे प्रोटीन से जो है साइड इफेक्ट्स हैं, केमिकल्स हैं, तो उसमें आप वे प्रोटीन को आप कैसे देखते हैं? व्हाट इज योर ओपिनियन? नहीं, मैं बताता हूं आपको, जो क्या होता है कि पीजीडीसी है, थोड़ा सा टेक्निकल चीज होगी ये डॉक्टर्स के लिए या जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं समझ पाएंगे, एक पीजीडीसीए स्कोर होता है जी, प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी कोरेक्टेड अमीनो एसिड स्कोर। तो वो नंबर वन जो है वो एग का है या वे का है। जो प्रोटीन किस हम जो खा रहे हैं, वो जो डाइजेशन है हमारी, उसके बाद डाइजेस्ट होकर अमीनो एसिड स्कोर हमारी मसल्स को कितना लगेगा, तो उसे पीजीडीसीएस कहते हैं। तो वे प्रोटीन और एग का नंबर वन है, उसके बाद बाकी जितने भी सोर्सेज हैं उनका थोड़ा थोड़ा कम है।
पॉइंट सोयाबीन का सबसे कम है जैसे, तो वो प्रोटीन डाइजेस्ट होने के बाद बॉडी को कितना लग रहा है वो देखा जाता है क्वालिटी, तो वो सोयाबीन की कम मानी जाती है जी। और तो और वे एक वेजिटेरियन सोर्स है, तो वी मस्ट वी इंसिस्ट दैट कि वेजिटेरियन लोगों को तो वे प्रोटीन जरूर खाना चाहिए, दैट इज द क्रक्स। और जो नॉन वेज वाले हैं उनको जैसे वो एग खाते हैं या चिकन खाते हैं तो वो बॉडी में जाके डाइजेशन उसकी 3 घंटे बाद होगी, देन इट एसिमिलेशन होगी। एसिमिलेशन मीन्स जो आपने फूड खाया उसको डाइजेस्ट होने के बाद हमारे ब्लड स्ट्रीम में या लगना उसे मसल्स में लगना, उसे एसिमिलेशन कहते हैं जी। तो उसकी एसिमिलेशन में भी 3 घंटे लगेंगे, तो इसलिए एक्सरसाइज के इमीडिएट बाद आप वे प्रोटीन अच्छी कंपनी का लीजिए, तो वो वे प्रोटीन शेक आप पानी में लेंगे एकदम इमीडिएटली इट विल डिसॉल्व एंड डाइजेस्ट एंड एसिमिलेट जी। तो इसलिए वेज हो या नॉन वेज हो वे प्रोटीन वर्कआउट के बाद मस्त है, और वेजिटेरियन लोगों को वे प्रोटीन और भी ज्यादा जरूरी चाहिए क्योंकि वो उनको उतनी हाई क्वालिटी प्रोटीन नहीं मिलती जी। और ये एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा, सॉरी टू इंटरप्ट, एनडीआरआई आप सब अच्छी तरह जानते हैं करनाल में नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, वहां के साइंटिस्ट ने क्लियर ये चीज शोध किया था, उसमें उन्होंने रिसर्च की थी कि वे प्रोटीन कंट्रोल्स मेनी मेनी हजार्डस जो डिजीजेज हैं जो हमारी बॉडी को हुए हैं, उन वे प्रोटीन उनको भी कंट्रोल करता है। उसकी कटिंग भी मेरे पास न्यूज़पेपर में आई थी दैनिक भास्कर में 2016 में, वो कटिंग भी मैंने रखी हुई है अपनी उसमें क्लिपबोर्ड पर लगा रखी है कि वे प्रोटीन, उन्होंने उसमें हिंदी के न्यूज़पेपर में था, क्लियर था कि वे प्रोटीन से कंट्रोल होंगी कई खतरनाक बीमारियां, तो उसका वो साइंटिफिक एंगल भी है हमारे पास, वे प्रोटीन इज मस्ट फॉर एनीबॉडी, तो उसमें किसी तरह की कोई दो राय नहीं है जी। और ये प्री वर्कआउट पोस्ट वर्कआउट या जो क्रिएटिनिन के डब्बे अलग अलग आते हैं जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स खाते हैं, इनमें क्या अंतर होता है, व्हाट इज द डिफरेंस? हाँ जी, प्री वर्कआउट ऐसा है कि जो आपकी वर्कआउट की इंटेंसिटी को बढ़ा देता है, उसके अंदर एक कैफीन होती है जो चाय कॉफी में होता है, तो बहुत से बच्चे जो प्री वर्कआउट अफोर्ड नहीं कर सकते तो आपने देखा होगा जिम्स में वो कॉफी का पाउच जी, उसको एक टीयर करके और एक पाउच ले लेते हैं जनरली, हालांकि वो हम रिकमेंड नहीं करते कि कच्ची कॉफी पानी में ले लेते हैं थोड़ा पेट गर्मी करती है जी। तो वो कैफीन है, वो कैफीन से हिट मिलती है बॉडी को, तो वो एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें हो। तो प्री वर्कआउट अच्छी ब्रांड का इफ यू कैन अफोर्ड यू कैन टेक, मैं रेगुलर यूज करता हूँ, आई स्वीयर विद दैट। एक मेरा प्री वर्कआउट में प्री वर्कआउट एक्सरसाइज से पहले और पोस्ट वर्कआउट में वे प्रोटीन, ये दो चीजें मेरी पूरा टाइम चलती हैं जब जब मैं वर्कआउट करता हूँ। बाकी जो क्रिएटिन है वो बिगिनर्स के लिए होता है, थोड़ा सा वेट गेन में हेल्प करता है, थोड़ी सी मसल स्ट्रेंथ जैसे वेट उठाने की जो स्ट्रेंथ है उसमें हेल्प करेगा क्रिएटिन, वो बिगिनर्स ले सकते हैं। ओके। तो इन जनरल आप और एक्सरसाइज कौन कौन सी जैसे रिकमेंड करते हैं अपार्ट फ्रॉम वेट ट्रेनिंग, व्हाट डू यू सजेस्ट, जैसे स्विमिंग है या आपका रनिंग है, और कौन कौन सी आप रिकमेंड करते हैं? हाँ, मैं ये हाईली रिकमेंड करूंगा कि जो लोग 40s में एंटर कर चुके हैं लाइक वी पीपल, तो उसमें वो सिर्फ वेट ट्रेनिंग ना कर कार्डियो पर भी जोर दें। जैसे मेरा फोकस जो है वो 60% वेट ट्रेनिंग है, 40% कार्डियो है। उसमें क्या होगा कि कई बार जैसे वेट ट्रेनिंग करते करते बॉडी लोग सोचते हैं कि बॉडी थोड़ी फ्लेक्सिबल कम हो गई, या वेट ट्रेनिंग इज एक्चुअली बेसिकली जब मैं आर्नोल्ड से मिला तो उन्होंने हमें ये समझाया कि वेट ट्रेनिंग इज एनएरोबिक एक्सरसाइज नॉट एरोबिक। एनएरोबिक में मसल स्ट्रेंथ यूज होती है, ऑक्सीजन यूज नहीं होती, हमारे हार्ट की जो कैपेसिटी है जी। वो वेट ट्रेनिंग से नहीं, वो एरोबिक एक्सरसाइज से बढ़ेगी जो हमारे हार्ट की है, वो हम रनिंग करेंगे या स्विमिंग करेंगे उसमें जिससे हमें सांस चढ़ेगा। तो एनएरोबिक वेट ट्रेनिंग एनएरोबिक एक्सरसाइज उसमें हमारे लंग्स की पावर बढ़ती है वेट ट्रेनिंग से जी। इसलिए बहुत से बॉडी बिल्डर्स को कोविड में दे रेयरली इन्फेक्टेड, दे गॉट इन्फेक्टेड बट दे रेयरली हॉस्पिटलाइज्ड, वो घर में ही उनका क्योर हो गया क्योंकि ऑक्सीजन लेवल उनका लंग्स से लिंक था, तो लंग्स स्ट्रॉन्ग थे तो वो SpO2 उनका कभी डाउन आया ही नहीं इंक्लूडिंग मी, मुझे आई वॉज ऑल्सो कोविड पॉजिटिव इन द सेकंड वेव, तो वो 2-3 दिन घर ही फीवर रहा, घर से ठीक हो गया, SpO2 हमेशा 99 था क्योंकि लंग्स अच्छे थे। और हार्ट की टेक केयर करने के लिए आपको कार्डियो एक्टिविटी करनी है, उसमें आप रनिंग कीजिए, स्विमिंग कीजिए, स्किपिंग कीजिए, जो आपको पसंद हो, तो 50-50 बांट लीजिए, 50% अपना अटेंशन वेट ट्रेनिंग पर और 50% कार्डियो पर जी। तो पंकज जी, आज हमें आप एक्सरसाइज कौन कौन सी करके दिखा रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट है आपको वो एक्सरसाइज करके बताएं जो बिगनर को करनी है, जो एक प्रोफेशनल को करनी है, वेट कितना डालना है, और वो एक्सरसाइज जो हम घर बैठ के आराम से कर सकते हैं। और उससे पहले मेरा एक क्वेश्चन उन स्टूडेंट्स के लिए जो आप बॉडी बिल्डिंग को ऑप्ट करना चाहते हैं एज ए प्रोफेशन, क्योंकि आजकल ये बहुत क्रेज भी है युवाओं में, अच्छा दिखने का बड़ा क्रेज है, यूट्यूब पे ऐसे काफी लोग हैं जो वेट ट्रेनिंग के बारे में बताते हैं और उनकी मैसिव फॉलोइंग है, दे हैव गॉट अ मैसिव फैन फॉलोइंग ऑन यूट्यूब,
सो ऐसे बच्चों को जो जो प्रोफेशनली ऑप्ट करना चाहते हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज है, आप वो बताएं और एक मैं एक्सरसाइज करके दिखाऊं सर। एक्सरसाइज मैं शुरू करके दिखाऊंगा, उसमें मैं आपको एक पॉइंट जो आपने कहा कि जिनको जिम का एक्सेस नहीं है, ऐसा है कि दो एक पेयर डंबल अगर हो सिर्फ तो उससे पूरी बॉडी पार्ट की एक्सरसाइज हो सकते हैं, वो मैं अभी आपको करके दिखा दूंगा। सिर्फ एक पेयर डंबल से, दो डंबल अगर आपके घर में हैं तो उससे पूरी बॉडी की एक्सरसाइज हो जाएगी। एक तो ये, एक जिम में मेन क्या फोकस होना चाहिए वर्कआउट करते वक्त, जो आप जब एक्सरसाइज कर रहे हैं लाइक चेस्ट प्रेस, तो उसमें आपका फोकस क्या होना चाहिए ये मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। और थर्ड पॉइंट आपने बोला कि प्रोफेशनली उसमें जो बच्चे उसमें करना चाहें, तो उसमें देखो अगर इसमें बॉडी बिल्डिंग, एक्चुअली गोल्फ एंड बॉडी बिल्डिंग आर दे लाइक दे से इन अमेरिका, गोल्फ एंड बॉडी बिल्डिंग आर द मोस्ट एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स। तो अगर उसमें फैमिली बैकग्राउंड अगर ठीक ठाक है तो उसमें यू कैन गो फॉर प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग ऑल्सो, क्योंकि इसमें जो सप्लीमेंट्स का खर्चा है या जिम्स की फीस है जैसे आजकल देखते हैं, या उसमें थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहता है क्योंकि सप्लीमेंट्स जो इम्पोर्टेड ज्यादातर इंडिया में मिलते हैं, इंडिया में एक दो कंपनी है भी जो अच्छे बना रही है मसल बेस या जो इंडियन कंपनीज है, तो उनके भी एक्सपेंसिव 1,500-2,000 से स्टार्ट है वे प्रोटीन, तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। प्रोफेशनली करने के लिए आपको बैकअप होना चाहिए कि कोई फैमिली सोर्स ऑफ इनकम अच्छी है, तो उसके बाद यू कैन गो फॉर इट। क्योंकि अभी तो पंजाब बहुत इसमें पंजाब में बहुत सपोर्ट करते हैं, पंजाब पुलिस भी इसमें बॉडी बिल्डर्स को काफी अच्छी जॉब्स देती है, वो हमारे टाइम में भी देती थी, तो अब हरियाणा में भी ये ट्रेंड स्टार्ट हो गया, हरियाणा पुलिस में भी बॉडी बिल्डर्स को जॉब दी जाती है स्पोर्ट्स कोटे में, बाकी आर्मी रेलवे CRPF। मुझे एक चीज में और इंटरेस्टिंग बताना चाहूंगा, जब मैं मिस्टर इंडिया जीत कर आया थर्ड पोजीशन थी, तो उसमें मेरे पास CRPF से ऑफर आई थी जॉब की जी, तो उस टाइम मेरा मन नहीं था उतना बिजनेस करने का था, जॉब का नहीं था, तो उस टाइम जॉब सेटल हो जाएगी, बच्चा अगर 3-4 साल 5 साल मेहनत कर सकता है विद फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ पेरेंट्स, अच्छी सपोर्ट है, तो फिर वो बॉडी प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग करेगा, उसकी जॉब भी अच्छी लग जाएगी और कैरियर मैनी कैरियर अपॉर्चुनिटीज विल इमर्ज गवर्नमेंट जॉब के अलावा। तो गो फॉर इट, अच्छे ट्रेनर्स हैं आजकल तो YouTube पर भी बहुत, आप भी कर रहे हैं और भी काफी लोग कर रहे हैं जो YouTube पर ट्रेनिंग थोड़ी देते हैं, जिस तरह से काफी एंगल, हमारे टाइम में ये सब YouTube था ही नहीं 2000-2001 में, तो हम तो वो बुक्स पढ़ के और आर्नोल्ड से मिले बुक्स पढ़ी और उन बुक्स से नॉलेज ले लेकर किया, तो यस डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट, कैरियर्स अच्छे हैं इसमें। जी जी, तो पंकज जी मैं आपसे निवेदन करूंगा आप एक बार हमें एक्सरसाइज, हाँ आपको, हाँ जी, तो पहले मैं ऐसे करता हूँ कि आपको वो जो ज्यादा एक इम्पोर्टेंट चीज है कि एक डंबल्स के पेयर से कैसे फुल बॉडी का वर्कआउट कर सकता है आदमी घर में, तो पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ और उसके बाद बाकी मशीन्स के बारे में और बताता हूँ थोड़ा सा। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल, ओवर टू यू। हाँ जी, तो अब हम स्टार्ट करते हैं, जैसे हम बात कर रहे थे कि एक पेयर ऑफ डंबल से हम पूरी बॉडी का वर्कआउट घर में कर सकते हैं, तो हम स्टार्ट करेंगे, जैसे ये डंबल है हमारे पास 10 kg का अप्रोक्सीमेट डंबल है, तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल बाइसेप्स की, जैसे यंगस्टर्स पसंद करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट बाइसेप्स का, ये आप स्लो कोई भी एक्सरसाइज करनी है आपने तो जो रेंज ऑफ मोशन है वो फुल होनी चाहिए, लाइक ये पूरा ऊपर फुल और ये पूरा नीचे जी, कई बार बच्चे हाफ हाफ कर लेते हैं, तो हाफ नहीं, और बिल्कुल स्लो मूवमेंट होनी चाहिए, इसे पॉजिटिव बोलते हैं, नीचे लाएंगे तो नेगेटिव है, नेगेटिव मूवमेंट शुड बी मोस्ट स्लो, बिल्कुल डेलिब्रेट, बिना जर्क के करना है कोई भी वर्कआउट। तो ये हमने बाइसेप्स का कर लिया, उसके बाद इसी डंबल से हम बेंच पर बैठकर और वी कैन डू लाइक दैट ट्राइसेप्स जी जी, तो कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसमें 10 repetition इन ईच सेट, तो 2 या 3 सेट पर वर्कआउट पर एक्सरसाइज हो जाएगा, तो ये हमने ट्राइसेप्स कर ली। उसके बाद हम इसी में चेस्ट की भी कर सकते हैं बेंच पर लेटकर, क्या वर्कआउट ये डबल प्रेस जी जी जी, ये आप शायद देख पा रहे होंगे जी, ये चेस्ट प्रेस सेम वही 8-10 repetition पर सेट, ये चेस्ट हो गया, आप ये देखेंगे कि एक ही पेयर ऑफ डंबल से हर चीज हो जाएगी, ये इसे बोलेंगे शोल्डर प्रेस, ये आप अल्टरनेट भी कर सकते हैं, उससे लोअर बैक में स्ट्रेन कम आता है थोड़ा सा स्ट्रेन, क्योंकि वो डिवाइड हो जाता है, अगर इकट्ठे भी कर सकते हैं लाइक दिस, ये एक इसी में डंबल प्रेस में आर्नोल्ड प्रेस है जो आर्नोल्ड ने खुद इन्वेंट की थी और हमें करके दिखाई थी, वो उसमें ये होता है कि जैसे सिंपल शोल्डर प्रेस की जगह आप उसको आके घुमा लीजिए ये जी, इसे आर्नोल्ड प्रेस बोला जाता है, इसे आर्नोल्ड ने खुद इन्वेंट की थी, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, इंटेंस है, आप प्लेन शोल्डर प्रेस से, तो शोल्डर होगी, उसके बाद इसमें बैक की भी एक्सरसाइज हम कर सकते हैं, इस वन लेग ऑन द बेंच एंड लाइक दैट, एक हाथ यहाँ, इसे वन आर्म डंबल रोइंग बोलते हैं जी,
10 repetition each side, then from this end like that. जी और उसके बाद ये अपर बॉडी हमारी कंप्लीट हो जाएगी एक ही पेयर से. देन वी कैन डू फॉर लोअर पार्ट, इसे लंजेस कहते हैं, एक पैर आगे करके ये. देन 8 to 10 रेपिटेशन ईच लेग लाइक दिस. उसके बाद बेसिक स्क्वैट्स कर सकते हैं डंबल से ही. ये यहां रखकर सिंगल डंबल हाथ में लेके और लाइक दैट. ओके, ये जैसे हाथ में लेकर और स्क्वैट्स. ओके, बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम रहती है पंकज जी के हिप की जो फैट है, ये साइड जो फैट है, ये रिमूव करना बड़ा मुश्किल रहता है. उसके लिए दैट इज वेरी इजी. एक तो रनिंग कीजिए, उसमें रनिंग हो जाएगी जी. उसके अलावा जैसे ये साइड डंबल्स कहते हैं इसे जी, ये लेकर और ये. ओके, ये पर्टिकुलरली साइड फैट के लिए है, जो अपर जिसे टायर्स बोल देते हैं हम लोग जी जी, वो थोड़ा सा ये साइड डंबल्स 20 टाइम्स ईच साइड जी, स्लो स्लो डेलिब्रेट मूवमेंट. ओके, तो इसमें अब आपने देखा कि जैसे पूरी बॉडी का वर्कआउट हो गया इसमें एक ही पेयर डंबल से जी. ये उनके लिए है जिनके पास जिम का एक्सेस नहीं है जी, और बाकी जो लोग वेट ट्रेनिंग प्रॉपर जिम में कर सकते हैं उनको अच्छा है ही. मशीन्स में उसमें अगर आप कहें तो एक दो मैं मशीन करके दिखा देता हूँ, जो मशीन जो चेस्ट की है या शोल्डर्स की. हाँ प्लीज प्लीज आप दिखाइए. देखेंगे कि इट इज चेस्ट प्रेस जी, तो इसमें आप ये अंडर दिस एंड और दिस एंड ग्रिप ले सकते हैं ऊपर या नीचे. उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि जैसे कि मैंने वो पहले बताया कि पीछे स्लो लाना है और आगे पुश करना है प्रेशर से. तो पीछे स्लो, बहुत से 90% बच्चे ये गलती करते हैं कि पीछे भी फास्ट लाते हैं. हमें आगे फोर्सिवली प्रेस करना है और पीछे बिल्कुल स्लो लाना है. इवन 2 से 3 सेकंड लगने चाहिए पीछे लाने में, उसे नेगेटिव हो जाता है, उससे मसल इंप्रूव होती है. देन पुश फास्ट देन रिलीज स्लोली. ओके, तो ये हमारी चेस्ट की बेसिक एक्सरसाइज है चेस्ट प्रेस. जो हम बेंच प्रेस लेट के करते हैं वो ही बैठ के चेस्ट प्रेस है जी. उसके बाद चेस्ट में नेक्स्ट आ जाती है बटरफ्लाई, जिसे लोग टैक टैक भी कहते हैं. मेरा पसीना देख रहे हैं, इसे कहते हैं मेहनत का पसीना. तो एक्सरसाइज खाली सिर्फ बॉडी के लिए ही वो नहीं है, आपके ग्लो को भी इंक्रीज करेगी, चेहरे के ग्लो को, क्योंकि पसीना जो नेचुरल वे में निकलेगा डेली आप वर्कआउट करेंगे. और एक आप ऑफिस गो रहे हैं, घर से जिम, जिम से घर जा रहे हैं, डेली एसी में रह रहे हैं, तो उसमें वो पसीना उतना आ ही नहीं पाएगा स्वेट जितना एक वर्कआउट करने से आएगा अच्छे वर्कआउट से. जी जी जी, वो पसीना जो है वो आपके ग्लो, साइंटिफिकली इट इज प्रूव कि इट एनहांसेस, रेगुलर एक्सरसाइज एनहांसेस द ग्लो ऑफ योर फेस एंड इट चेंजेस द डीएनए. हमारे डीएनए को ही चेंज कर देगा अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे. तो अब हम अगली एक्सरसाइज चेस्ट की, मैं सेकंड एक्सरसाइज आपको बताता हूँ, बटरफ्लाई. ये बटरफ्लाई है टैक टैक, ये बहुत पॉपुलर एक्सरसाइज है चेस्ट की शेपिंग के लिए जी. वही सेम, इसमें पीछे स्लो ले जाना है, रिलीज स्लो करना है कोई भी एक्सरसाइज हो, और आगे फास्ट पुश. 8 to 10 रेपिटेशन का एक सेट होगा लाइक दैट. ये चेस्ट की दो बेसिक एक्सरसाइज हैं. इसके अलावा इंक्लाइन और डिक्लाइन बेंच पे सब कर सकते हैं जी. बेंच का दैट इज इंक्लाइन, वो अपर चेस्ट के लिए थोड़ी सी ये लिया. इसमें स्लो स्लो नीचे एंड पुश स्ट्रॉन्गली अप, नीचे स्लो देन पुश अप. ये इंक्लाइन बेंच पे है. और इसी तरह से डिक्लाइंड बेंच प्रेस, जिसमें एंगल डाउन हो जाएगा जी. तो इसमें हल्का सा बेंच प्रेस में, हाँ ये डिक्लाइन हो गया, इसमें एंगल डाउन हो जाएगा जी. तो ये चार एक्सरसाइज बेसिक हैं जो आप चेस्ट की कर सकते हैं. उसके बाद जैसे आर्म्स की, बाइसेप्स की, डंबल जैसे मैंने आपको घर में करके दिखाए, जैसे घर में करने के लिए भी हैं जी. और एक स्टैंडिंग बारबेल कर्ल है या प्रीचर कर, यही बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है. इसमें आगे थोड़ा सा फिक्स हो जाएगा
बैटरी से प्रीचर कर्ल बोलेंगे, स्लो स्लो लाइक दैट। ये भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज, स्ट्रिक्ट एक्सरसाइज है। बाइसेप्स की एक्चुअली क्या है, बहुत से बच्चे एक्सरसाइज बहुत ज्यादा करते हैं जी। तो उतनी ज्यादा की जरूरत नहीं है, बड़े पार्ट की जैसे चेस्ट, शोल्डर, बैक, थाइज, इनकी 4 से 5 एक्सरसाइज कर लीजिए और छोटे पार्ट की 2 हद 3। तो जैसे बाइसेप्स में डंबल्स कर लिए या प्रीचर कर ली, या फिर ये स्टैंडिंग स्टैंडिंग बारबल, इसमें वेट डालकर ये स्टैंडिंग रोल जी, उसमें आप स्टैंडिंग बारबल कर लीजिए या प्रीचर कर्ल कर लीजिए कोई एक, और एक डंबल कर लीजिए। 2 एक्सरसाइज बाइसेप्स की बहुत है। इसी तरह से शोल्डर की एक ये शोल्डर प्रेस है, इसमें वही ग्रिप लेकर और बिल्कुल स्लो, नीचे स्लो और ऊपर पुश स्ट्रॉन्गली, नीचे स्लो ऊपर फास्ट। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एक्सरसाइज करते वक्त बच्चों को नोट करना चाहिए कि एक सेट आपका 30-40 सेकंड्स चलना चाहिए, इतना लंबा। ये हमने शुरू में सीख लिया था आर्नोल्ड जी से ही और उनसे, कि सेट जैसे बच्चे फास्ट फास्ट करते हैं जी, तो वो नहीं होना चाहिए। आपका सेट काउंट करो, जब आप सेट कर रहे हो तो 30-35 सेकंड्स तक एक सेट चलना चाहिए। ओके, तो उससे एक्सरसाइज का रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। शोल्डर की जैसे एक ये एक्सरसाइज हो गई, एक उसके अलावा साइड डंबल्स या फ्रंट डंबल्स करते हैं। साइड डंबल होती है जैसे थोड़ा सा शोल्डर कैप बढ़ाने के लिए, थोड़ी चौड़ाई बढ़ाने के लिए, तो उसमें आप बेंच पर बैठकर और ये जिनकी विड्थ कम है उनके लिए भी अच्छी है, शोल्डर की एक साइड कैप बढ़ाती है, साइड मसल्स। ओके, ये और इसी तरह से ये फ्रंट डंबल्स, ये हमारी शोल्डर की 3 एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। चौथी अगर एक और करना चाहें तो श्रग्स वगैरह हैं ट्रेपीजियस के लिए, तो वो मशीन है हमारे पास, उसको दिखा देते हैं हम। ये ओपन रोड लेके भी कर सकते हैं, नहीं तो इस मशीन में भी कर सकते हैं। इसमें स्ट्रेट अप स्ट्रेट डाउन, ये 4 एक्सरसाइज शोल्डर्स की बेस्ट है। ये ना हो तो ओपन रोड हो जाएगी, चेस्ट हो गई, शोल्डर हो गई, आर्म्स हो गई। ट्राइसेप्स में ये बेसिक मशीन है, हर जिम में मिलेगी। ये ट्राइसेप्स एक्सटेंशन, ये इसे आप रोप ले लीजिए चाहे रोड ले लीजिए, एक ही बात है। रोप में थोड़ी स्ट्रेचिंग अच्छी हो जाती है जी। एक ये एक्सरसाइज ट्राइसेप्स की अच्छी है। एक इसके अलावा मैंने आपको डंबल वाली बताई, जो डंबल बनाम डंबल एक्सटेंशन जी। जिम में मशीन्स भी होती हैं और जिम में ट्राइसेप्स की ये मशीन भी बहुत अच्छी है। ये अगर आप मशीन अवेलेबल हो तो ट्राइसेप्स, ये इसे सीटेड ट्राइसेप्स एक्सटेंशन कहेंगे जी, ये बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है। 2 या 3 बहुत हैं एक्सरसाइज, तो 20 हैं 30 हैं एक पार्ट के, लेकिन करनी आपको 2 या 3 ही हैं एक पार्ट के लिए। ओवर ट्रेनिंग नहीं करनी, अंडर ट्रेनिंग इज ऑलवेज बेटर देन ओवर ट्रेनिंग। ओवर ट्रेनिंग से इंजरीज भी होती हैं, तो इसलिए कम एक्सरसाइज, 30-40 मिनट्स मैंने आपको तभी बोला, तो इसमें आपका पूरा बॉडी पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। जैसे इन एक्सरसाइज में बैक की है, बैक की आप चिनअप्स कर सकते हैं या लैट्स पुल डाउन है वो कर सकते हैं जी। बैक की मैंने एक डंबल्स वाली बताई थी, जो वन आर्म वन लेग ऑन द बेंच एंड लाइक दिस जी जी जी। एक ये कर लीजिए, एक चिन अप्स कर लीजिए रोड पर लटक के या पुल डाउन कर लीजिए। थाइज की स्क्वाट्स, वेट रखकर और ये स्क्वाट्स, और एक लंजेस बताए मैंने आपको, तो इतना ही जरूरत है, इससे ज्यादा नीडेड ही नहीं है। चाहे प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर ने भी करनी है तो वेट ट्रेनिंग शुड बी हार्ड एंड इंटेंस एंड ऑफ स्लो ड्यूरेशन, लाइक 25-35-40 मिनट्स मैक्सिमम ऑलमोस्ट सेशन जी जी। दिखाया आपको इसमें 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये कि जो जिम्स में ज्यादातर लोग जो कहते हैं कि आप मशीन की बजाय आप नॉर्मल
रॉड से एक्सरसाइज करें वो ज्यादा इफेक्टिव है, मशीन्स आर लेस इफेक्टिव, हालांकि आजकल हर एक कंपोनेंट के लिए एक अलग मशीन है, तो इस क्या कहना चाहेंगे? नहीं, दिस इज मिथ, दिस इज टोटली मिथ कि फ्री वेट्स बिल्ड मोर मसल देन द मशीन्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब ये क्वेश्चन मैं फिर बात करूंगा आर्नोल्ड की, हमने आर्नोल्ड से पूछी थी ये सेम क्वेश्चन, तो बिकॉज वहां की सोसाइटी कंजर्वेटिव नहीं है, दे आर ओपन, तो ही आंसर्ड मी लाइक दैट कि आर्नोल्ड ने मुझे बोला ये चीज कि योर बाइसेप्स डोंट नो दैट यू आर लिफ्टिंग वेट्स इन द जिम और गर्ल और योर गर्लफ्रेंड और एनीथिंग लाइक दैट, आपको पता ही नहीं है, आपके बाइसेप्स को सिर्फ ये पता है कि जोर लग रहा है, उसको ये लेना देना नहीं है कि आप वेट उठा रहे हैं या घर में ईंट उठा रहे हैं या घर में बाल्टी उठा रहे हैं जी। तो इसलिए आप ओपन वेट हो, मशीन्स हो, जो भी हो, जो आपको एक्सेस है जिस चीज का जी, उस पर आप अपने एफर्ट लगाइए। इट इज बेसिकली रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग को सेकंड इसका तो टेक्निकल लैंग्वेज है, इसे बोला जाता है प्रोग्रेसिव रेजिस्टेंस ट्रेनिंग की प्रोग्रेशन, धीरे धीरे आप अपनी रेजिस्टेंस को बढ़ाते जाइए। जैसे आप फर्स्ट मंथ कर रहे हैं जिम में तो आप 5 किलो उठाएंगे, सेकेंड मंथ आप कोशिश कीजिए 7.5 kg, देन 10 kg, देन 15 kg। तो वेट ट्रेनिंग का सेकंड नाम प्रोग्रेसिव रेजिस्टेंस ट्रेनिंग है, इसमें उससे कोई लेना देना नहीं है कि आप फ्री वेट्स उठा रहे हैं या मशीन उठा रहे हैं जी। तो दैट क्लियर्स द मिथ आई होप, जी ऐसा जी। बिल्कुल भी नहीं है। एंड सेकंडली कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे नॉर्मली बेल्ट बांधते हैं जो हैवी वेट ट्रेनिंग करते हैं उनके लिए बेल्ट, इंजरी से कैसे बचना है, इंजरीज नॉर्मली क्या क्या होती है? इंजरी से बचने का फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रिंसिपल है जो मैंने हमारे इस सेशन में 3 से 4 बार सेम चीज रिपीट की कि ऑलवेज फोकस ऑन द स्टाइल ऑफ द रैपिडी स्टाइल ऑफ योर सेट रादर देन द वेट। जो आप वेट उठा रहे हैं उस पर कंसेंट्रेट नहीं करना, आपने अपने स्टिक स्टाइल पर फोकस करना है कि जैसे आप चेस्ट प्रेस कर रहे हैं तो वो ये नहीं करना, बाइसेप्स कर रहे हैं, बहुत से बच्चे हम जिम में भी मना करते हैं और भी हम देखते हैं जिम में ये बाइसेप्स की झटका देके पूरा पुश करके पूरी बॉडी को मोमेंटम में लाकर करते हैं। वेट ट्रेनिंग इज एनीथिंग बट मोमेंटम, वेट ट्रेनिंग जो है वो मोमेंटम ट्रेनिंग ही होनी चाहिए। अगर आपको स्टिक स्लो स्लो करेंगे तो कभी भी इंजरी होगी ही नहीं। और वर्चुअल ऐसे मैंने अपने 19 साल जिम चलाते हुए, उससे पहले मैंने 10 साल वैसे प्रोफेशनल की, तो 28-29 साल में एक्सरसाइज किया, टचवुड मुझे वेट ट्रेनिंग से इंजरी एक बार भी नहीं, यू विल बी सरप्राइज टू नो। क्योंकि जो ये हमने शुरू में ही सीख लिया था कि वेट ट्रेनिंग की जो फॉर्म है वो इम्पोर्टेंस है, उसकी इंपोर्टेंस है ना कि वेट उठाने की। वेट आप बेशक कम उठा लो बट ऑलवेज कंसंट्रेट, स्टिक स्टाइल होना चाहिए, बिल्कुल स्लो स्लो, वो चीज अगर आप आती है इंजरी कभी भी नहीं होगी। हाँ, अगर हैवी वेट के स्क्वाट्स कर रहे हैं जैसे आप, तो आप बेल्ट बांध दीजिए, एब्डोमिनल बेल्ट आती है जो, वो बांध दीजिए, उससे कंप्रेशन पेट के अंदर एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है वैक्यूम, तो दैट गिव्स स्ट्रेंथ टू योर लोअर बैक, उससे बैक को स्ट्रेंथ हो जाएगी तो वो चलेगा। तो भैया लास्ट क्वेश्चन है मेरा फॉर द फीमेल, फीमेल जो हमारे वर्किंग वीमेन है या जो हमारे घर में रहते हैं या जो हमारे लोग हैं जो हमारे 60+ लोग हैं, उनके लिए आप कौन कौन सी एक्सरसाइज रिकमेंड करते हैं? एंड सेकेंडली आप न्यूट्रिशन के बारे में थोड़ा सा हमें और बताएं, किस प्रकार का न्यूट्रिशन लेना चाहिए प्लीज। हाँ जी सर, सबसे पहले मैं वुमेन के लिए बताता हूँ कि वुमेन के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिका में द लेडीज जो 60s में है और 65, इवन आई नो सम लेडीज हु आर 70s और वो भी वेट ट्रेनिंग करती हैं, कि साइंस प्रूव्स कि जो वेट ट्रेनिंग है वो हमारे मसल मास को बढ़ाता है और बोन डेंसिटी को भी बढ़ाता है। तो लेडीज में जनरली आफ्टर 50s ही, मतलब 60s तो बहुत दूर गएंगे, क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस स्टार्ट हो जाता है, कैल्शियम लॉस इन बोन्स। तो जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, वेट ट्रेनिंग, प्रॉपर वेट ट्रेनिंग आई एम सेइंग, वो जो ऑस्टियोपोरोसिस को बचाती है लेडीज में, तो इसलिए लेडीज को यंग एज में तो वो करती हैं, इन 50s 60s, चाहे वो अपना बिल्कुल लाइट लाइट करें, वेट ट्रेनिंग करनी चाहिए, उससे ऑस्टियोपोरोसिस, हालांकि ये चीज साइंटिफिकली प्रूव्ड है, आम कोई सोसाइटी में ये चीज नहीं बताएगा क्योंकि बिल्कुल डीप नॉलेज की बात है, कि ऑस्टियोपोरोसिस कैन बी सेव्ड बाय वेट डूइंग वेट ट्रेनिंग। तो लेडीज में ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होगा, कैल्शियम लॉस नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग जो उनकी बोन्स हैं वो स्ट्रॉन्ग रहेंगी लास्ट तक। तो इसलिए एक्सरसाइज, वेट ट्रेनिंग को अपने रेजिम के अंदर ऐड कीजिए। हाँ, अब न्यूट्रिशन पे मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा कि डाइट में मेन चीज है प्रोटीन, हमारी मसल्स के लिए भी एवरीथिंग इज रिलेटेड टू प्रोटीन, हमारी गुड क्वालिटी ऑफ, अगर आप लेडीज की हेयर क्वालिटी की बात करते हैं तो डॉक्टर्स आपको ये कहेंगे प्रोटीन लो या प्रोटीन लगाओ, शैम्पू वो लेंगी जैसे महंगा शैम्पू, उस पर लिखा होगा हाई प्रोटीन रिच, तो प्रोटीन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म हमारी बॉडी में जो अबंडेंट है। तो डाइट में भी हमें प्रोटीन हाई रखना चाहिए, वेदर इट इज फ्रॉम वे प्रोटीन और फ्रॉम डाइटरी सोर्सेज लाइक एग्स, चिकन और एनी टाइप ऑफ स्प्राउट्स, पल्सिस वगैरह, दालें हैं, पनीर है, दूध है या दूध डाइस ना हो तो बटर मिल्क है,
तो प्रोटीन इतना हाई रखिए, कार्बोहाइड्रेट्स मिनिमम नहीं मतलब मॉडरेट रखिए, बहुत ज्यादा आलू और इंडियन डाइट में जैसे राइस पोटैटो ये चीजें ज्यादा चलती हैं, आलू और ये चीजें मॉडरेट होनी चाहिए, ज्यादा नहीं होनी चाहिए, फोकस मोर ऑन प्रोटीन। और फैट्स जो है वो कम से कम रखने चाहिए, सैचुरेटेड फैट तो बिल्कुल ना के बराबर हो, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो अच्छे हैं ओमेगा थ्रीज हैं या फिश में हैं जैसे, वो आप ले सकते हैं, ओमेगा थ्रीज के सप्लीमेंट्स भी आते हैं वो भी बहुत अच्छे हैं लेडीज और जेंट्स दोनों के लिए जी। तो फाइबर ज्यादा रखना चाहिए, सैलेड जरूर एक दिन में, मैं हर एक को किसी भी जगह में जाता हूँ तो जहाँ मील्स हमें मिलता है तो सैलेड में पहले अपना इंपॉर्टेंस देता हूँ, तो फाइबर हमें सैलेड से मिलेगा, और जूसेस वगैरह ले सकते हैं, फ्रूट्स ज्यादा रखिए, तो ये सब डाइट के मेन पार्ट हैं जो फोकस करिए आप। प्रोटीन, अब प्रोटीन किस चीजों में है वो बेसिकली सबको पता ही है, डाइटिंग मोस्ट ऑफ द पीपल नो कि व्हाट डाइट वी शुड टेक टू रिड्यूस वेट लॉस के लिए क्या डाइट लेनी है, बट इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाते लोग, इम्प्लीमेंटेशन इज द की, हाई प्रोटीन डाइट, मीडियम कार्ब्स एंड लो फैट। जी जी बिल्कुल, इम्प्लीमेंटेशन इज द की, जैसा इम्प्लीमेंटेशन इज द की, जी जी इम्प्लीमेंटेशन जरूरी है। तो पंकज जी मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, आपने समय निकाला, आपने हमें गाइडेंस दी बॉडी बिल्डिंग के बारे में, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बारे में, एक्सरसाइज के बारे में, डाइट के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में हमसे आपने चर्चा की, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और वो कहते हैं शेयरिंग इज केयरिंग, तो इसलिए ऑलवेज शेयर करने से, शेयरिंग इज कॉल्ड केयरिंग, तो इसलिए जितना आप आगे भी मौका देंगे आगे भी हम आपके साथ हैं बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू, नमस्कार। ओके।